श्री गुरुवे नमः नमस्कार। मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। करवा चौथ व्रत, देखिए करवा चौथ जो व्रत रखा जाता है वह अपने पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है और यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को होता है। और इस बार जो ये व्रत है बहुत उत्तम व्रत है लगा है, आप लोग सहर्ष इसे करें। देखिए इस व्रत में सबसे पहले दिन में कुछ नहीं लिया जाता है, निर्जला व्रत होता है यह। दिन में आप कुछ भी ग्रहण ना करें, संध्या काल में आप चंद्रमा की पूजा करके ग्रहण करना होता है। चूंकि चंद्रमा आयु का कारक होता है, मन का कारक होता है, इस कारण पति की दीर्घायु के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। अब आते हैं इसमें वस्त्र किस प्रकार का पहने। इसमें प्रयास करें कि काले और सफेद रंग का वस्त्र ना पहने। आपकी साड़ी में आप जो वस्त्र आप पहन रहे हैं या सलवार सूट जो भी पहन रहे हैं उसमें काले रंग का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप जो ये व्रत करेंगे, व्रत में यदि आपकी माँ आसपास रहती है तो वो भगवान के पूजन के लिए पकवान तैयार करके आपके यहाँ भेजे। आप अपनी माँ को जरूर कहें कि माँ हमारी आसपास यदि आपकी माँ रह रही है तो कुछ पकवान घर में तैयार करके आपके घर वो पकवान बैने के रूप में भेजे। साथ ही साथ जब संध्या काल हो जाए और चंद्रमा आपको दिखे तो दिखने के उपरांत आप चंद्रमा को छन्नी से चंद्रमा को देखें और उस छन्नी के ऊपर एक दीप रखें, उस दीप की ज्योति भी चंद्रमा को दिखाएं। उसी छन्नी से आप अपने पति का भी दर्शन करें। यदि आपके पति किसी कारणवश आज चूंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस प्रतिस्पर्धा के दौर के कारण आपके पति किसी कारणवश कहीं गए हुए हैं तो आप आज तो मोबाइल का दौर है, आप मोबाइल के माध्यम से उन्हें वीडियो कॉल कर लें, पर घबराए नहीं वीडियो कॉल कर लें और वह छन्नी से उन्हें आप कॉलिंग करके उन्हें देखें तत्काल और चंद्रमा को भी देखें। पति यदि साथ में है तो अपने हाथों से पति और आप चंद्रमा को अर्घ दें, या पति नहीं है तो आप स्वयं भी चंद्रमा को जल का अर्घ दें, धूप दीप नैवेद्य चंद्रमा को अर्पित करें। वो जो पकवान आपके माँ के यहाँ से आया नहीं तो अपने घर पकवान का निर्माण करें, पूरी और खीर का जरूर, पूरी और खीर का जरूर चंद्रमा को भोग लगाएं और पूजन इत्यादि के उपरांत पति के हाथों से जल ग्रहण करें। यदि पति उपस्थित नहीं हो तो पति को आप वीडियो कॉल इत्यादि से तमाम चीज़ों के माध्यम से, आज इंटरनेट विश्व बहुत आगे चल चुका है, उस माध्यम से उन्हें उपस्थित कर लें और उस जल को आप ग्रहण कर लें और तब भोजन करें। ध्यान रखें करवा चौथ में आप क्रोध यदि करेंगे तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा, इस व्रत का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि करवा चौथ में आप क्रोध नहीं करेंगे या किसी को भी दुर्वचन नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे और ना ही किसी की निंदा करेंगे। निंदा करने से भी आपकी ही हानि होगी। तो हमने आपको करवा चौथ के पूजन का विधि बता दिया और करवा चौथ को किस प्रकार करें ये भी बता दिया। करवा चौथ निर्जला व्रत होता है दिन भर का, ये भी बता दिया। और साथ ही साथ बता दिया कि करवा चौथ के व्रत में आपको क्रोध इत्यादि नहीं करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि हमने जो आपको बताया वो आप समझेंगे और इसी प्रकार आप व्रत करेंगे और ईश्वर की कृपा से आपके धन समृद्धि में भी वृद्धि हो और आपके पति की दीर्घायु की कामना भी करता हूं मैं कि आपके पति की दीर्घायु बनी रहे,
महा जो करवा चौथ है उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। आप लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।